हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो पहले इस बात का क्लैरिफिकेशन कि मेरी वेबसाइट में ना प्रॉब्लम है, लेकिन वो जानबूझ के ना रिपेयर, पहले तो रिपेयर करने की कोशिश की। जो बंदा था वो उनका अचानक से कुछ इशू हो गया और वो नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने जानबूझ के वो चीज़ वैसे ही रखी है, क्योंकि उतना वक्त नहीं दे पाती हूँ मैं पर्सनल रीडिंग के लिए इसके लिए। और इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग पेमेंट करते हैं और उनको कन्फर्मेशन मैसेज नहीं जा रहा है। तो बीच बीच में मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि जिन्होंने पेमेंट किया है प्लीज़ कन्फर्मेशन मैसेज मिला है कि नहीं, मुझे क्वेश्चन मिला है कि नहीं, प्लीज़ चेक कीजिए। तो वो चीज़ है। और कन्फ्यूजन में क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि इट्स अ फेक वेबसाइट और समथिंग लाइक दैट, कि जहाँ पे उनको उनका पैसा लग गया। तो वो चीज़ है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि कुछ लोग को ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं मिला था और मैंने क्लैरिफाई किया था कि, और वो सब बाद में रीडिंग भी गई थी। दूसरी चीज़, टाइम लिमिट वेबसाइट में। टाइम लिमिट तभी, जो 3 साल पहले का दो दिन का था तभी चीज़ें अलग थी, अभी चीज़ें अलग है। और वेबसाइट अपडेट करने को मुझे वक्त और पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है इसके लिए है। और एक चीज़ है कि रोज़ रीडिंग होती है, जो जनरल रीडिंग होती है बहुत सारे लोगों के लिए होती है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं रीडिंग नहीं ले पाते और समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कब पूछना है क्या है। तो रोज़ की रीडिंग से उनको हीलिंग मिल जाती है, शायद सवालों के जवाब मिल जाते हैं, और कितने लोगों को अपने आंसर्स भी मिल गए हैं, वो चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, एक थैंक्स टू द यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट है मेरे लिए कि जो रीडिंग कर पाई हूँ, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी। और मतलब कुछ लोगों को लगता ना कि पैसे के लिए हो रहा है सब कुछ, तो प्लीज़ ये ना जो भी चीज़ है ये पैसे के लिए नहीं हो रही, क्योंकि मुझे पैसे अगर कमाने हैं तो बहुत सारे सोर्सेस हैं मेरे पास, और इतनी भगवान की दया से, ईश्वर की दया से ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वन टू वन जो रीडिंग है वगैरह सब बहुत सब कुछ फुल होती है। एंड बिसाइड दैट बीइंग मैरिड और बच्चे हैं तो इसलिए तो और भी लाइफ बिजी है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि ऐसे नहीं कि मैं जो जिनको ज़रूरत है ना वो अपने आप पहुंच ही जाते हैं और उनको रीडिंग मिल जाती है, उनके अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं, वो उनके लिए मतलब सी ये सब चीज़ है ना, यूनिवर्स की मर्ज़ी है और उसी तरह से होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। आई रियली बिलीव कि जंप टू द कंक्लूजन, कि एकाएक नतीजे पर मत आइए कोई भी सिचुएशन के लिए, कोई भी इंसान के लिए, क्योंकि कल आप क्या होंगे ये आप खुद नहीं जानते। यस, आप खुद नहीं पहचानेंगे, कि जब यूनिवर्स चाहे ना आपको एक मोमेंट में, एक मिनट में बदल सकती है, एक दिन में बदल सकती है। तो रोज़ रीडिंग में अगर कुछ नया नहीं हुआ तो नया हो भी सकता है, क्योंकि हर एक के लिए वो रीडिंग डिफर करती है, कोई सिचुएशन चेंज करते हैं। कितनी मिस्टेक्स होती है, कभी आवाज़ नहीं आता और ये सब चीज़ होती है, फिर भी आप लोगों ने संभाला हुआ है। लेकिन जो चीज़ समझ नहीं पाते, कुछ लोग जो नए हैं या शायद समझ नहीं आए, उनके लिए जो चीज़ है वो क्लैरिफाई कर रही हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। और मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं और जो मेरे से रेगुलर पर्सनल रीडिंग लेते हैं, उनको भी पता है कि मैं कितनी बार बीमार पड़ती हूँ, बट ये चीज़ ही मुझे हील भी करती है। ये जो एनर्जी है ना वो मुझे हील भी करती है। लोगों के आशीर्वाद है, आप लोगों के आशीर्वाद है, आप लोगों की हीलिंग है, वो मुझे भी मिलती है। तो वो चीज़ है। मैं नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ बताने की कोशिश करी हूँ कि अपनी अपनी एक लिमिटेशन से और ज़िम्मेदारी है, इसकी वजह से अगर डिले हो रहा है, आपको कोई कन्फर्मेशन प्लीज़ मेल कीजिए, मैंने मेल आईडी दिया हुआ है, तो प्लीज़ इस बात, क्योंकि जब लास्ट टाइम वीडियो में आवाज़ ही नहीं आ रही थी, ख़राब हो रहा था, तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं अपना काम करके छोड़ रही हूँ, मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जब एक मेल आया कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, अच्छे से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, तब जाके मुझे पता चला है और चेक किया और सब चीज़ रिपेयर करने की कोशिश किया और कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जो भी हूँ, आप लोग की वजह से हूँ, सपोर्ट की वजह से हूँ और आप लोग के लिए ही हूँ। तो ऐसे ही हम बने रहेंगे, आपकी हीलिंग, आपकी जो एनर्जी क्लिनजिंग है, आपको अपना कर्मा समझना, ये
ये एक्चुअली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो लेट्स सी कि आज की एनर्जी क्या कहते हैं. मेडिटेशन कंप्लीट है और देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहती है. प्लेन पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार. ये जो मन ही मन में प्रेयर करती हूँ हमेशा, वो आपकी हीलिंग के लिए है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो. अगर आपने नोटिस किया होगा, आज ड्रॉप्स जल्दी जल्दी गिरने स्टार्ट हुए हैं. मतलब कभी कभी ना बहुत ज़्यादा लेट होता है, डिले हो रहा है. आज की एनर्जी में ऐसा ना कि एक सडन चेंज आया हुआ आपने ऑब्जर्व किया होगा. वो चेंज ना आपकी एनर्जी में भी है, कहीं ना कहीं है तो सही. कल तक आप काफ़ी ज़्यादा एक निराश और नॉट एक्साइटेड वाली फीलिंग थे. पता नहीं क्यों अचानक से कल रात से जब गुजरी है और सुबह से ना आपको थोड़ा ना पॉजिटिव फील हो रहा है. ऐसा लगता है कि एक होप रखने में क्या प्रॉब्लम है, या होप रखना ही चाहिए. इनके एनर्जी में भी एक सडन शिफ्ट है. सोच बदली है, रातों रात हुई है. ऑफकोर्स कुछ लोगों में रातों रात हुई है, क्योंकि बहुत निगेटिव हो जा रहे थे. इमोशनली अपने आप को जैसे ब्लॉक करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, तो वैसी एनर्जी थी. लेकिन कहीं ना कहीं अब एनर्जी ना धीरे धीरे से रिलीज़ हो रही है, जैसे फ्रीडम चाहती हो. यहाँ पे मून दिख रहे हैं. मून यानी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई और हेवी. आपके लिए पैशन है ना, वो बढ़ता जा रहा है. पैशन, बस तू चाहिए वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. और इन्हें ना अपनी जो इमोशनल एनर्जी है ना, उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है. जैसे आपकी तरफ वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा, और ये स्ट्रांगली चाहते हैं कि आप पहल करें. ये या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो ऐसी इमेजिनेशन है, या पता नहीं कि मतलब ये लिटरली जाने अनजाने ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से पहल हो. क्योंकि इनमें ना वो हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है. यस. और यहाँ पे ना थर्ड पार्टी रिमूवल की अचानक से जो काली कुतरी है, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी एनर्जी कहीं ना कहीं दूर हो रही है. क्योंकि एक तरफ एक सिचुएशन गई और ब्लैक ड्रॉप उधर गया, यहाँ पे इधर गया, तो दूर हो रही है. अगर थर्ड पार्टी ना पेरेंट्स है, ऑफकोर्स हो सकता है कि स्पेशली मदर इश्यूज हो सकते हैं. क्योंकि जिस तरह से इमेज फील हुई ना कि वो एक मदर हो सकती है, या फिर मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या बच्चे वगैरह का इश्यूज है, जो ऐसा लग रहा ना कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्ट है उनका इमोशनल डिस्कनेक्ट है, या फिर दूरी बना के रखते हैं. थर्ड पार्टी पे इनकी ना जो बिहेवियर है, उससे अभी ना काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं. क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी अर्से से इनका बिहेवियर है ना काफ़ी ज़्यादा एक सैड सा है. सैड इन द सेंस कि कम्प्लीटली रोते धोते रह रहे कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग है ना मतलब एकदम शांत, खामोश, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं, कुछ बातें नहीं. जितना बोला गया है, जितना पूछा गया है, वही जवाब दे रहे हैं, बस उतना ही है. मतलब जैसे काम से काम रखना हो, जैसे ये ना किसी चीज़ का जैसे रिवेंज ले रहे हो, कोई चीज़ का बदला ले रहे हो. थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कभी कभी, जैसे अगर माँ मान नहीं रही है रिश्ते को, आपके रिश्ते को, तो ऐसे ना जिस तरह से इनका बिहेवियर है ना, तो ऐसा लग रहा है कि इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश, थर्ड पार्टी को लग रहा है ये इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ना ढंग से खाते पीते हैं, ना कुछ है फिर. और मतलब जिस तरह से इनका बिहेवियर है ना, जैसे डिस्कनेक्ट सा, तो मतलब सामने तो है लेकिन डिस्कनेक्टेड है. थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा
पहले तो ध्यान नहीं देती कि जैसे गुस्सा करते थे, नाराज़ होते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे, लेकिन थर्ड पार्टी को भी अभी रियलाइज़ हो रहा है ना कि ये मानने वालों में से नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को पता है कि ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आके इमीडिएट डिसीजन नहीं लेंगे जब तक थर्ड पार्टी कम्प्लीटली नहीं चाहे, लेकिन इन्हें ये तो पता चल गया है थर्ड पार्टी को कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, मतलब आप भी उनके ज़िंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा हो। ऐसे ही आपको ना डिस्कनेक्ट, मतलब ऐसे निकाल दिया ज़िंदगी में, बोला निकाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी को ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, रिश्तों से निकाल सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा नहीं है ना। सपोज़ किस मुँह से थर्ड पार्टी कहें कि वो दिल में है और दिल से निकाल दो, दिल ही निकालना पड़ेगा। ये पता नहीं कैसा लग रहा ना, ये आपके पर्सन अपने आप से नाराज़, लोगों से नाराज़, वह चीज़ फील होती है। हालांकि एक लास्ट टाइम की तरह ना आर्ग्यूमेंट, चिड़चिड़ वाली एनर्जी नहीं है होती, बट अपने आप में ना अलग सा एक गुस्सा या नाराज़गी है अपने ऊपर, चिढ़ है अपने ऊपर। अभी ना उन्होंने लोगों पे गुस्सा निकालना शायद बंद किया है और वो अपने आप से नाराज़ और अपने आप से चिढ़े हुए ज़्यादा नज़र आए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनको ना अपनी गलतियाँ ज़्यादा दिख रही है, अपनी मजबूरियाँ, मतलब डिसीजन इन्होंने नहीं लिया है, डिसीजन ये नहीं ले रहे, उसमें दूसरे की गलती नहीं है, या फिर डिसीजन इन्होंने लिया था ना थर्ड पार्टी के फेवर में जाने का। मून काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं एंड पॉसिबल है ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का हो, और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। अगेन मुझे ऐसा लगा कि ड्रीम्स के थ्रू या इमोशनल एनर्जी के थ्रू ये आपसे कनेक्ट है, कहीं आसपास होने का एहसास दे रहा है, कहीं आसपास होने का एहसास दिला रहे हैं। इनका नाम दिख रहा है या फिर इनके रिलेटेड कोई चीज़ आपको बार बार इनका इनके आसपास होने का या फिर इनके प्रेजेंट होने का एहसास दिला रहे हैं ना, कि जैसे एक सॉन्ग है जो उनको पसंद है, या फिर उनके जैसा दिखने वाला इंसान अचानक से दिख रहा है, उनका नाम दिख रहा है, प्रॉपर नाम दिख रहा है, वो चीज़ हो सकती है। ये इंसान आपको मिस भी कर रहा है, याद, मतलब याद तो कर रहा है, आपकी तरफ देख भी रहे हैं, लेकिन खामोश है। एक्शन खुद नहीं लेना चाहते, ऐसा लगता है कि एक्शन आपकी तरफ से हो। पॉसिबल है ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ ऐसी बात है ना जहाँ पे मतलब आपने जैसे कहा है एग्जांपल के तौर पे कि अगर कमिटमेंट की कोई बात हो तो ही कॉन्टैक्ट करना, नहीं तो मत। तो अभी तक ये रेडी नहीं है, इन्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन आपसे दूर भी नहीं रहा जा रहा है। तो ये मतलब इस बात की मैनिफेस्टेशन कहे या प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पे आपको ही सामने से, आप ही सामने से आ जाए कि जब होगा तो होगा, कमिटमेंट और जो भी है, अभी तो बात कर लेते हैं, अभी तो बात कर लेते हैं। मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है, पैरेट दिख रहा है, एंड कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। इनिशियल इनके ना एल हो सकता है, एल है, आर है, के है, और पॉसिबल है आपको ना मिरर एंजल नंबर दिख रहे हैं और 69 एंजल नंबर दिख रहा है, जैसे 1221, 1001, ऐसे एंजल नंबर दिख रहे हैं, इवन 222 भी दिख रहा है, 111 दिख रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा ना कि आप भी शायद इनसे दूर हो, मतलब शायद आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, शायद आपने ही कॉन्टैक्ट डिलीट किया हो, या आपने ब्लॉक किया हो, या फिर
आप इंतज़ार में हो, बट समाव ऐसा लग रहा ना आपको इनकी फिक्र हो रही है और इन्हें भी आपकी फिक्र हो रही है, मतलब कुछ तो है जो फिक्र की एनर्जी दिखा है, कंसर्न, कुछ तो फिक्र हो रही है। या भी ये भी हो सकता है कि ये आपके लिए फिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अप्रोच इसके लिए नहीं कर रहे, एक एक सिनारियो एक कंडीशन है कि ये अप्रोच करेंगे ना तो थर्ड पार्टी जो इनके ऊपर नज़र लगाए नज़र रखे हुए हैं ना वो चीज़ वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि गलती आपके ऊपर थोपेंगे और आपको गलत ठहराएंगे, आपको मतलब यस आपको गलत ठहराएंगे, आपको कुछ सुनाएंगे, आपको हो सकता है इवन कुछ बहुत उल्टा सीधा बोल दे, ये सब वो अवॉइड करने की या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि इनकी तरफ से ना इमोशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन दूर से आप ही को देख रहा है ऐसा लग रहा है, जैसे एक्शन इसलिए ना बोलो वो एक एक क्या होता है लक्ष्मण रेखा है ना वो क्रॉस नहीं कर रहे, ये लक्ष्मण रेखा तो अलग चीज़ होती है बट एक लिमिट एक लाइन है ना वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। या तो आपने कुछ कहा है कि जब तक कमिटमेंट या ऐसा कुछ नहीं होगा तब तक ये नहीं आ सकते, या फिर इनको ऐसा लग रहा ना कि आपको कुछ हार्म हो सकता है, या फिर कभी कभी ना ऐसा वहम हो जाता है ना किसी को कि मेरे आने से उसकी ज़िंदगी में वापस दुख आ जाएंगे, वो भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं। द टावर 16 नंबर द हाई प्रिस्टेस द मैजिशियन फाइव ऑफ सोर्ड्स The Empress, the Temperance, the Devil, the Justice, और ये है Five of Cups and Five of Pentacles, triple five की energy है, triple five, Five of Pentacles, Five of Swords and Five of Cups। इंसान आपके बगैर खुश तो बिल्कुल नहीं है, अपसेट है, और जिस तरह से एनर्जी में है ना टावर सिचुएशन, सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने लाइफ में जो हो रहा है ना स्पेशली नेगेटिव सिचुएशन उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका साथ नहीं है, आपका साथ नहीं है, आपके साथ गलत किया ऐसा लगता है और ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, और मतलब ऐसा लगता है कि आपको आपके साथ अन्याय हुआ है, मतलब इन्होंने बस आपसे लिया लिया है और बस लिया नहीं, आपके लिए पैशन ऑब्सेशन भी उतना ही है लेकिन पेशेंस रखे हुए हैं, अगेन आपकी तरफ से पहल हो ऐसी इच्छा है बट चीज़ उल्टी हो रही है कि जितना दूर होने की कोशिश या अपने आप को रोकने की कोशिश उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जी उनको खींच रही है, आपकी एनर्जी उनको खींच रही है, वो प्यार है, वो इमोशंस है, वो आपका एक स्पिरिचुअल ऑरा है वो खींच रहा है, और इनकी इंट्यूशन इनके ड्रीम उनको कुछ कहना चाहते हैं और ये आपको ड्रीम्स में आके इंट्यूशन के मतलब एनर्जी वाइज जैसे मैं कहा ना कि बताने की कोशिश करें कि ये आसपास है, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं वाली चीज़ है, क्या हो सकता है ना इसके बारे में से लेके वो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, मतलब कि रिलेशन का आगे क्या होगा ये नहीं, बट बस वो पल साथ में बिताने हैं वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो फिर आपका कॉल या मैसेज या आपका आना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रिपल फाइव चेंज की एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई पे कमेंट का जवाब ना दें, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।